सो आँख खोलते ही हमें दिखा यहाँ पे कुछ नाश्ता मिल रहा है और हम भागते दौड़ते नाश्ता करने आ गए। आज दिन है शादी का दिन। जी हाँ, आज हमारे घर पे होने वाली है शादी। और सुबह उठते उठते हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्लान था कुछ शॉपिंग करने का। जो लुक हमने क्रिएट करने का सोचा है उसके लिए कुछ नेक पीसेज एंड ईयरिंग्स चाहिए, उसके लिए हमें शॉपिंग पे जाना है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन प्लस साउथ इंडियन का ब्रेकफास्ट है, हमने थोड़ा सा इडली वड़ा एंड सांभर चटनी थोड़ा खाया, और बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, नहा के सिर्फ कपड़े डाल के यहाँ खाने आ गए हैं। और ये हमने ले लिया है खाना, और ये जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके हम पहुंच गए मार्केट। बहुत सारा सेट ढूंढने के बाद हमें ये वाला सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया साड़ी के लिए, क्योंकि कुछ और इतना जल्दी पे मिल नहीं रहा था। और हम ले के यहाँ पे हल्दी फंक्शन शुरू होने वाला है, तो हल्दी के लिए हम जल्दी से हमने बस ये टीका डाला और रेडी हो गए। कपड़ा तो आई थिंक हल्दी फंक्शन में आते ही मैंने देखा ये बड़ा प्यारा सा डेकोरेशन हो रखा था, और यहाँ पे सब लोग हल्दी लेके अपना एक सिग्नेचर वहाँ पे डाल देते, क्योंकि बड़ा प्यारा लगा। और यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये आ गए हमारे ब्राइड एंड ग्रूम, और ब्राइड एंड ग्रूम को हमने हल्दी लगाया, और आप देख सकते हैं ब्राइड का जो लहंगा है कितना ब्यूटीफुल है, और जो पूरा जो इंस्टाग्राम वेडिंग आप बोलते हैं उस तरह का, मतलब पूरा मॉडर्न तरीके से यहाँ पे ये बिहारी वेडिंग हो रही है। और हमने दोनों ब्राइड एंड ग्रूम को हल्दी लगाया, और हल्दी लगाने के बाद थोड़े उन हमने पिक्चर्स क्लिक करा लिए। ये पहला ऐसा वेडिंग विटनेस कर रही थी जहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम दोनों साथ में बैठे हैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको हल्दी लगाऊँ और किसको छोड़ दूँ। तो हमने वहाँ से पूछ लिया कि हम दोनों को लगा सकते हैं क्या, और हमने दोनों को यहाँ हल्दी लगाई। और हल्दी लगाने के बाद हमें जाना था, क्योंकि सेम डे पे हल्दी बारात सब कुछ था हमें रेडी होने के लिए। तो हम फटाक से गए और हम अपने जो लुक हमने सोचा था उसका तैयारी करने लगे, और ये रहा हमारा फाइनल शादी का लुक। सो ये पर्पल सा शिमरी टाइप का टिश्यू सिल्क बोल सकते हैं, और तैयार होके हम लोग आ गए हैं ग्राउंड में जो जहाँ पे शादी होने वाली है। और यहाँ पे हमने देखा जो बैंड वाले होते हैं यहाँ पे सबको वो पगड़ी पहनाते हैं, तो वो पहनाने से क्या होता है कि जो भी साइज़ है आपका कोई इशू नहीं आएगा। और बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने पिंक कलर चूज़ किया था, और इसके बाद हमें जाना था बारात के लिए, और ढोल बाजा सब रेडी था, और ये सब पहना के सब हम लोग अभी जाने वाले हैं बारात के लिए। तो आपको दिखाएंगे कितना सुंदर बारात लेकर आने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे फाइनली हम बारात लेकर आ गए हैं। डेकोरेशन देखिए आप, कितना सुंदर डेकोरेशन है। रात के समय ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे ही हम लोग वेडिंग हॉल में एंटर करते हैं,
यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे लिए खाने के लिए क्या है। जी हाँ, यहाँ पे स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके स्वीट डिशेस, जूसेस, आपको जो चाहिए बहुत, मतलब बहुत अच्छा सा यहाँ पे प्लानिंग करके इन्होंने किया है। तो हमने खाने की चीज़ें भी कैप्चर करी यहाँ पे, लिट्टी चोखा, तंदूरी नान, और हम जो भी हमें अच्छा लगा हम उसके ऊपर पहले टूट पड़े। ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा हमने भी, थोड़ा चाट था ये, चाट वगैरह जो भी स्टार्टर टाइप का था ये हमने टेस्ट करा। और सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।